वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेखिका श्रीमती हेलेन केलर जी द्वारा लिखित कहानी जो देखकर भी नहीं देखते। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। इस कहानी में लेखिका लिखती हैं कि उसकी प्रिय दोस्त जंगल की सैर करने के बाद घर वापस लौटती है तो लेखिका उससे पूछती है कि उसने जंगल में क्या क्या देखा, तो लेखिका की दोस्त कहती कुछ खास नहीं। अब लेखिका को तो इस तरह के उत्तर की आदत हो चुकी होती है और लेखिका सोचती है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। जंगल से लौटने के बाद भी कुछ भी दिखाई ना दे यह संभव नहीं। लेखिका को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर भी सैकड़ों रोचक चीजों को छूकर महसूस करती है। यहाँ तक कि भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श करने से ही पहचान लेती है और बसंत के महीने में तो टहनियों में नई कलियों को खोजती है। और लेखिका को फूलों की पंखुड़ियों को छूने में भी अपार आनंद मिलता है और इस तरह लेखिका को प्रकृति की सुंदरता का आभास होता है। लेखिका को चिड़िया के मधुर स्वर को सुनना भी अच्छा लगता है और उंगलियों से बहते पानी को महसूस कर आनंदित होती है। चीड़ की पत्तियां और घास के मैदान तो महंगे कालीन से भी अधिक प्रिय होते हैं और बदलते मौसम का नया रंग भी लेखिका के जीवन को खुशियों से भर देता है। कभी कभी तो लेखिका का इन सभी चीजों को देखने का मन करता है। वो लिखती है कि छूने से ही अगर उन्हें इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखने में तो वह मुग्ध हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों की आंखें होती है वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। मनुष्य कभी भी अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता, वो हमेशा उस चीज की आस लगाता है जो उसके पास नहीं होती है। कितने दुख की बात है, दृष्टि के आशीर्वाद को लोग साधारण समझते हैं जबकि इससे जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। ये था संपूर्ण पाठ का सारांश। अब हम जल्दी से MCQ सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न, लेखिका प्रकृति की चीजों को किस तरह पहचानती है, छूकर, सुनकर, देखकर या पढ़कर? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन जी हाँ, ए, छूकर। अगला प्रश्न, हेलेन केलर की मित्र कहाँ से घूमकर आई थी, पार्क से, बाजार से, खेत से या जंगल से? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन यस, ए, पार्क से, नहीं, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, जंगल से। अगला प्रश्न, इनमें से किस पेड़ की छाल चिकनी होती है, पीपल, भोजपत्र, बरगद या कोई भी नहीं? इस पाठ के अनुसार इसका उत्तर आएगा ऑप्शन यस, बी, भोजपत्र। अगला प्रश्न, जो देखकर भी नहीं देखता पाठ के लेखक कौन है, प्रेमचंद, सुंदर स्वामी, हेलेन केलर या कोई भी नहीं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन यस, सी, हेलेन केलर। अगला प्रश्न, लेखिका टहनियों में नई कलियां कब खोजती है, वर्षा ऋतु में या वसंत ऋतु में या शरद ऋतु में या कोई भी नहीं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन यस, बी, बसंत ऋतु में। अगला प्रश्न, इनमें से किस वृक्ष की छाल खुरदरी होती है, पपीता, चीड़, भोजपत्र या कोई भी नहीं? खुरदरी छाल होती है किसकी, चीड़ की। अब लास्ट प्रश्न आपके लिए, लास्ट प्रश्न आप सॉल्व करोगे। जंगल से लौटी लेखिका की मित्र ने उसे क्या देखने की बात कही, बहुत कुछ, कुछ खास नहीं, सुंदर नजारा या हरियाली? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये था आज का NCERT क्लासिक्स हिंदी का पाठ 11। अब तक हमने क्लासिक्स हिंदी की 10 पाठ की वीडियोज अपलोड कर दी है और इसी तरह से NCERT क्लासिक साइंस और ज्योग्राफी की वीडियोज भी अपलोड कर दी गई है जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। इस वीडियो से किसी भी चैप्टर को सर्च करने के लिए आपने उस चैप्टर का नाम लिखना है, साथ में आप लिखोगे कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस तरह से आप किसी भी वीडियो को सर्च कर सकते हो। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।